दमे की आहार चिकित्सा एवं घरेलू उपचार। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। हम सब जानते हैं कि दमा एक कष्टदायी रोग है, क्योंकि इस दमा के अटैक जिनको आता है वो बता सकते हैं कि श्वास लेना और श्वास छोड़ना दोनों ही बहुत मुश्किल है, और लेने से छोड़ना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि श्वास की नलियों में सूजन और संकुचन हो जाता है, कफ भी जमा हो जाता है। तो किसी भी रोग का पहले कारण जान लें। किसी भी रोग का कारण है निष्क्रिय जीवन शैली और गलत आहार। तो अगर हम योग को अपना लें, लेकिन जब तक हम आहार को नहीं बदलेंगे तो फिर रोग नहीं जाएगा, क्योंकि रोग का मेन कारण तो हमारे आहार द्वारा जो चीज़ ग्रहण की जा रही है वो गलत चीज़ें ही हैं। तो अब आप, मैं आपको बताऊँ, योग अगर दमा के रोगी हैं तो उन्हें कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा, जिससे कि उनको रोग का अटैक, देखिए योग को अपनाएंगे और खास करके कुंजल और जल नीति करेंगे तो वैसे तो बहुत आराम, तो तभी 100% आराम आता है, लेकिन गलत आहार को तो हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सप्ताह में एक दिन उपवास करना चाहिए, क्योंकि जब भी अटैक आता है तो देखते हैं वो रोगी जिसको अटैक आता है उसे खाने की इच्छा बिल्कुल समाप्त हो जाती है, क्योंकि शरीर आपको इंडिकेशन दे रहा है कि मत खाइए, तो मत खाइए, उपवास कर लीजिए। और वैसे भी हफ्ते में एक दिन उपवास आपके स्वास्थ्य के लिए, दमे के रोगियों के लिए या सभी के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद दमे के रोगियों को भूख से थोड़ा कम खाना चाहिए, थोड़ा पेट को खाली रख के रहना चाहिए, जिससे कि उनको जब सांस उठे तो उनको दिक्कत नहीं हो सांस लेने में। तीसरा, कब्ज ना होने दें। कब्ज की समस्या में दमे का रोगी और परेशान हो जाएगा। इसके बाद ठंडा और भासी भोजन नहीं करना है, ठंडे पदार्थ यानी उनको कोल्ड ड्रिंक्स ऐसी चीज़ें भी नहीं लेनी है, और वायु कारक और जिस आहार से एलर्जी है उससे भी उन्हें दूरी बना के रखनी है, क्योंकि दमे के रोगियों को मालूम है कि जब मैं इस तरह का आहार लेता हूँ तभी अटैक आता है, तो उस आपको आहार से भी बचना है। रात का भोजन 6 से 7 के बीच हो जाए और वो बिल्कुल हल्का होना चाहिए, यानी कोशिश करें कि भूख से तो कम खाना ही है, सब्जी और सूप पे काम चल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं हो तो आप एक आध रोटी ले लें और या रोस्ट मखाना ले लें साथ में। रात में दूध नहीं लेना है, बहुत से लोगों को आदत है ना रात में दूध लेके सोने की आदत, तो रात में नहीं लें, आप शाम को लहसुन वाला दूध ले सकते हैं, वो अच्छा है आपके लिए, मगर रात में नहीं लेना है। फिर कब्ज से बचने के लिए कम से कम दिन में 2 बार मीठे फल खाना है। मैं फलों का बताऊंगी कौन कौन से खाने हैं, पर मीठे वाले फल 2 बार अच्छी मात्रा में, क्योंकि कब्ज से बचना है तो आपको फाइबर लेना है, फलों से आपको फाइबर मिलता है, और 8 से 10 गिलास गुनगुना पानी उनको हमें रोज पीना है, बहुत ज़रूरी है। दिन में 2 बार गर्म पानी में नींबू डाल करके और शहद डाल के अदरक डाल के लेना ही लेना है। सब्जियों का सूप अधिक से अधिक लें, हरी सब्जी का सूप खास करके दिन में 2 बार जरूर लें, एक दोपहर के खाने के समय ले लें, एक रात के खाने के समय ले लें। फिर आप दमे के रोगियों के लिए पुराना शहद, खास करके छोटी मधुमक्खियों का जो शहद है वो बहुत लाभदायक है, शहद वैसे ही लाभदायक है दमे के रोगियों के लिए, क्योंकि वो कफ को निकालने में मदद करता है, फेफड़ों को बिल्कुल हल्का बना देता है। ये तो उनको मैंने बताया, कुछ बातें उन्हें माननी है। फिर परहेज में क्या करना है, मीठे और नमकीन से बचें, क्योंकि मीठा जो है वो भी कफ बनाएगा और नमकीन जो तला हुआ रहता है वो भी कफ बनाएगा, उससे बचना है। मैदा, बेसन, खटाई, तेल, मूली, दही, केला, दूध, घी का प्रयोग नहीं करना है, इनसे बचना है। बहुत गर्म या ठंडा भी नहीं लेना है। शराब, सिगरेट से दूरी बनानी है। ये इन चीज़ों का तो उन्हें ध्यान रखना ही पड़ेगा, वरना रोग आसानी से ठीक नहीं होगा। अब आपको आहार में क्या लेना है, आहार में मीठे फल जैसा मैंने बताया, उसमें है पपीता, खरबूजा, सेब, चीकू, छुआरा, ये सब आप नाश्ते में ले लें, और इसमें सूखा आलू बुखारा भी होगा, किशमिश भी होगा, खजूर भी होगा, ये सब आप बिल्कुल, संतरा और ये बेरीज
ये सब आपके लिए अच्छे हैं। संतरा मीठा वाला होना चाहिए, खट्टा वाला नहीं, इतना ध्यान रखें। तो ये तो आपको नाश्ते में दो बार लेना ही है, एक बार सुबह पहले ब्रेकफास्ट में ये सब ले लें, कुछ भी ले लें इसमें से, इतना ले लें कि आपको इसके बाद कुछ खाने की इच्छा नहीं रहे, और शाम को 4-5 बजे भी ले लें। अब दोपहर में आपको सलाद खाना है जिसमें गाजर हो, प्याज हो, टमाटर हो, पालक वगैरह कुछ हरी चीज़ भी हो, तो उनको बारीक कट करके उसका सलाद ले लें, हरी सब्जी लें और रोटी लें, क्योंकि चावल वगैरह लेना नहीं है आपको। अब इसके बाद सूप भी ले लें, आपका बिल्कुल पानी की जगह सूप ले लें। तो ये आपका दोपहर का भोजन है। और शाम को मैंने बोला फिर से फल खाए खूब सारा, सीजन का हो और इनमें से कुछ हो, हर सीजन में फल मिलते हैं। और इसके बाद डिनर में सब्जी और सूप ले लें। अगर बहुत भूख लग रही हो तो एक गरम चपाती ले लें सब्जी के साथ, सूप के साथ। तो ये तो आपका हो गया। और दूध मैंने बोला आपको लेना है तो आपको शाम को ही लेना है, और वो भी लहसुन वाला या फिर हल्दी वाला। वैसे लहसुन वाला दूध दमे के रोगियों के लिए बहुत लाभदायक है, और हल्दी भी कफ को निकालती है, तो हल्दी वाला भी ले सकते हैं कभी चेंज के लिए। और भोजन हल्का हो और पचने में सरल हो, हैवी चीज़ कुछ भी नहीं खानी है आपको। अब इसके बाद मैं आपको घरेलू उपचार बता रही हूँ। देखिए, आपको घरेलू उपचार में एक स्टील की प्लेट ले लें, उसमें एक बड़ी प्याज के बारीक बारीक स्लाइस काट लें, और कुछ लहसुन की कलियों के भी स्लाइस काट लें, मतलब उसमें 8-10 कलियों के स्लाइस काट लें, और उस प्लेट में बिछा दें, और हर टुकड़े के ऊपर थोड़ा थोड़ा शहद टपका दें। अब उस प्लेट को ढक के रात भर के लिए छोड़ दें। सवेरे जो उसमें एक द्रव इकट्ठा हो जाएगा उसको किसी कांच के प्याले में निकाल लें। अब उस द्रव को आप दिन में 4 बार 2-2 चम्मच करके ले लें। ये आपके कफ के लिए बहुत अच्छी बेस्ट रेमेडी है, कफ के लिए, खास करके दमे के रोगियों के लिए बहुत अच्छी दवाई है, क्योंकि इसमें शहद भी है, प्याज भी है, लहसुन भी है, और इनसे जो शहद इनसे मिलके जो रस के साथ निकलता है रात भर में, जो उसने एक एक्ट करता है, वो आपके लिए दमे के लिए बहुत अच्छी दवाई है। अब दूसरा आपको बताती हूँ, जब भी आपको लग रहा है कि अब दम कुछ ऐसे हमको दिक्कत आने वाली, क्योंकि लक्षण तो पहले मालूम पड़ ही जाते हैं, तो आप 1 चम्मच बारीक कुटी हुई लहसुन ले लें, और 1 ही चम्मच कद्दूकस की हुई अदरक ले लें। पहले 1 कप पानी उबलने रख दें गैस पर, 1 उबाल आ जाए तो उसमें लहसुन और अदरक डाल दें, और बस ज़्यादा नहीं, मंदा करके 4-5 उबाल आ जाए तो गैस बंद कर दें। अब उसे आप छान लें, छान करके पीने लायक, थोड़ा सिप करके पीने लायक हो जाए तो सिप करके पी लें। ये भी आपके लहसुन का और ये अदरक का जो पानी है बहुत लाभ, इसमें कुछ मिलाना नहीं है, आपको ऐसे ही पीना है, क्योंकि गर्म पीना है तो आप शहद नहीं मिला सकते इसमें। इसके बाद यूकेलिप्टस के पत्ते या फिर इसकी भाप लेने के लिए पानी उबलने रखें, उसमें ये पत्ते डाल दें, उन्हें कुछ लोग सफ़ेदा भी बोलते हैं, और या फिर अजवाइन की भाप ले लें, या दिन में 2 बार लेना है, जब आपको लग रहा है कि अभी दिक्कत है तो दिन में 2 बार ले लें, 1 बार अजवाइन का ले लें, 1 बार यूकेलिप्टस का ले लें। अब इसके बाद आपको 11 पत्ते तुलसी के और थोड़ा सा काला नमक चुटकी भर, उसको मुंह में एक साथ रख के हल्के हल्के धीरे धीरे चबाएं, उसका रस लें, तो ये भी आपके दमे के रोगियों के लिए बहुत अच्छा उपचार है, बहुत अच्छा है। एक आपको बताऊँ, पका केला ले लें और उसको गैस पर भूने, गैस पे या फिर आप आपके पास सिगड़ी या कुछ हो, किसी पर भी आप भून लें उसे। भूनने के बाद उसका छिलका अलग हटा दें, उस पर चारों तरफ काली मिर्च भुरक दें, और उसको थोड़ा गर्म ही रहेगा, पूरा ठंडा नहीं होएगा, गुनगुना तो रहेगा, अब उसको खा लें। ये तो आपको तत्काल दमे के अटैक को भी रोकने में सक्षम है। देखिए, रोग ठीक नहीं करेगा, रोग आपको ठीक करेगा योग के संग, जो पहले 2 चीज़ बताई है वो आपको दमे की अवस्था से निकालेगा, लेकिन उस समय अटैक को रोक देगा ये केले वाली ये दवा। और फिर रात को भुना चना खा के अगर थोड़ा सा हल्दी वाला गर्म दूध लेते हैं मात्र शाम के, मतलब खाने आपके उसके बाद, तो आप देखेंगे
कि आपको बहुत जल्दी कफ निकल जाएगा और आपको आराम हो जाएगा। या हल्दी भून के, पुरानी हल्दी हो उसे भून के पाउडर बना लें और 1.5 से 2 चम्मच हल्दी में 2 चम्मच शहद मिलाएं और उसको दिन में 2 बार में चाट लें। ये भी आपके दमे की अवस्था में आपको बहुत लाभ देगा। और सरसों का तेल में कपूर मिला करके थोड़ा सरसों का तेल गर्म कर लें, अब उसमें नीचे उतार के कपूर मिलाएं और उससे छाती और सीने, पीछे पीठ में और छाती में उसकी मसाज करें तो कफ आसानी से निकल जाएगा और आपको आराम मिलेगा। फिर 3-4 बार दाहिनी नाक से सांस लें छोड़ें, क्योंकि आपको दाहिना स्वर चलाना है जो शरीर में हीट लाएगा, हीट लाएगा तो अंदर कफ नष्ट होगा। तो ये आपको खास करके भोजन से पहले, भोजन के बाद और उसके अलावा दिन में 2 बार और कभी भी ले लें। ये भी आपके दमे के रोग के लिए, रोगियों के लिए बहुत लाभदायक उपचार है। है तो योग का उपचार, क्योंकि सूर्य स्वर सूर्य भेदी से बोला जाता है, लेकिन मैं आपको इसमें इसलिए बता रही हूँ कि उसमें मैंने बोला नहीं था। और 1 चाय का चम्मच तुलसी के पत्तों का रस, 1 चम्मच शहद और इसके साथ 1 चम्मच प्याज का रस मिला लें आपस में और इसको 1 महीने तक दिन में 2 बार लें। आप देखेंगे कि आपका दमे का रोग ठीक हो गया है। आप करके देखिए, लेकिन जैसा मैंने बोला आहार पे तो ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि एक तो ये जेनेटिक है और एक बार अगर हो चुका है तो बहुत आसानी से ठीक नहीं होता है। हाँ, कुंजल के साथ अगर आप ये सब करते हैं तो फिर दमा बचेगा ही नहीं। योग और कुंजल, उसके बाद ये आहार, या जब कभी दिक्कत हो तो ये 1-2 उपचार। सब करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें से जो आपको माफिक पड़े वो 2 उपचार अपना लें, बस इतना बहुत है। 100% आप दमा से मुक्त, उसकी कष्टदायक पीड़ा से हमेशा मुक्त रहेंगे और खून बहुत जल्दी से आपका दमे का रोग भी चला जाएगा। अगर मेरा ये वीडियो, इसके पहले वाला और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अधिक करेंगे, क्योंकि आज एनवायरनमेंट में भी प्रदूषण बहुत है और कोरोना के बाद ये समस्या बहुत लोगों में आ चुकी है और बच्चे और बुजुर्ग के संग अब तो युवा भी इससे पीड़ित हैं। तो ये वीडियो जितना शेयर करेंगे अधिक से अधिक लोगों को आराम आएगा। तो मैं ये ज़रूर आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, एक तो इससे आप अधिक से अधिक शेयर करें, दूसरा आप शेयर के बाद अगर आपको कुछ लग रहा है कि इसमें कुछ कमी है तो कमेंट करना ना भूलें, मुझे कमेंट चाहिए। और अगर पसंद आए तो लाइक भी करेंगे, और मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, मुझे उससे उत्साह मिलता है। इसलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो लोग नई पहली बार जुड़ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।